बतौर खिलाड़ी एक सीनियर कंसल्टेंट दीपक विश्वकर्मा। अब मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से, ये दिल्ली में एक स्टूडेंट है, ये देखिए इनका नाम है श्रेयदीप। दिल्ली से अब बढ़ते हैं गुरुग्राम हरियाणा की तरफ और मिलते हैं एक सीनियर प्रोसेस इंजीनियर से, शैलेश बंसल। इसके बाद चलते हैं मेदिनी नगर झारखंड में और स्वागत करते हैं एक स्टूडेंट जिनका नाम है दीप ज्योति। अब आते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में, स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार गुप्ता जी। हमारे अगले खिलाड़ी आगरा उत्तर प्रदेश से है, ये केबल ऑपरेटर है, उनका नाम है सुनीता यादव। इसके बाद चलते हैं मुंबई महाराष्ट्र की तरफ और मिलते हैं एक स्टूडेंट सरी प्रजापति से और अंत में स्वागत कीजिए जामनगर गुजरात से एक लेक्चरर जिनका नाम है डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो देवी संजू इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल रखने से पहले मैं आप सब लोगों को इनकी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी हुई थी उसका एक नमूना हम आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो द्वारा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मैंने खुद का एक एप्लीकेशन बनाया ताकि मैं टच स्क्रीन पर मूवियां चलाना सीख जाऊं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए काफी क्विजेस खेले, कुछ एप्स हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए रियली हेल्प करती है। मैंने एफएफ की तैयारी के लिए ऑनलाइन वीडियोस से मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और उसकी प्रैक्टिस की थी। तैयारी तो जितनी भी करें हम कम है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। बाकी उसे मैं थोड़ा यंग हूँ तो मुझे इसका थोड़ा फायदा मिलेगा और शायद मैं सबसे पहला मेरा ही नंबर आ जाए। अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ओके? रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान गणेश के इन नामों में आने वाले शरीर के अंगों के अनुसार इन्हें सर से पैर की तरफ सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नेम्स ऑफ लॉर्ड गणेश अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट्स mentioned in them from head to toe. Ready contestants, और आपके options रहे ये आपके सामने। A गजकर्ण, B लंबोदर, C भालचंद्र, D एकदंत। समय हो गया है समाप्त, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी भालचंद्र, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। फिर आता है ए गजकर्ण, हाथी की तरह बड़े कान वाले। फिर आता है डी एक दंत, एक दांत वाले। और अंत में है बी लंबोदर, बड़े पेट वाले। सी ए डी बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल एक दीपक विश्वकर्मा। आइए भाई साहब बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको दीपक जी। बहुत उत्साहित हैं आप और आप अकेले हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। कैसे पता चला आपको इसका उत्तर? ये गणेश जी की कृपा है क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जब फर्स्ट कॉल आया था वो गणेश चतुर्थी के दिन आया था। ओ, और ये गणेश जी की कृपा है। क्यों ऐसा लगता है, मेरी समझ में नहीं आता, जब लोग यहाँ आते हैं कुछ भावुक हो जाते हैं। क्या है ना कि ये एक स्वप्न लोग हैं और इसका सपना ही सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई बनता है जी तो खुशी के आंसू तो निकल जाते हैं। बहुत बहुत बधाई आप, ठीक है? एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत दीपक विश्वकर्मा। देवेंद्र सर जो मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी बैठ गए हैं, देवास मध्य प्रदेश से, एक आईटी फर्म में सीनियर कंसल्टेंट हैं ये और इनका नाम है दीपक विश्वकर्मा। दीपक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद। कब से रह रहे हैं आप देवास मध्य प्रदेश में? देवास में हमारे पिताजी हमको बहुत छोटे में थे जब लेके आ गए थे जी, जब हम थर्ड कक्षा में थे,
तब से वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना चालू कर दिया था और तब से हम हमारी शिक्षा और स्कूलिंग सब देवा से ही हुआ है। ओके और आप यहीं पर रह रहे हैं या आप कहीं? नहीं, मैं अपने परिवार के साथ, मेरे बेटे और मेरी वाइफ के साथ मैं चेन्नई में रहता हूँ। चेन्नई में रह रहे हैं? वहीं पर। और वहीं पर आप सीनियर कंसल्टेंट जी। ओके दीपक जी, हमारा ये नियम है कि जितने भी नए खिलाड़ी आते हैं उनके सामने हमें जो खेल के नियम है उनको समझाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम आपको नियम समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का, 1,000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं जिन्हें आपको पार करना होगा। 5वां प्रश्न जो है वो 10,000 रुपये का, ये पहला पड़ाव। उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का, और इसके बाद हमारा जो एकदम चोटी का प्रश्न होता है 7 करोड़ का, वो द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई है। पहले है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन पलट पलट, और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट है और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी हैं। ये एक सोशल इंजीनियर और क्विजर भी हैं। कर्नल शंकर प्रोजेक्ट संबंध नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसका उद्देश्य शहीदों के परिवार वालों की मदद करना है, और उनकी छवि अब हमारे सामने आ गई। कर्नल शंकर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कर्नल साहब, आज आपने बहुत ही एक सुंदर टोपी पहन रखी है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैं करीब 20 साल फौज में था, जो सेवानिवृत्त होते हैं फौज से ये टोपी पहनते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म में शामिल होता है जी। तो अच्छा लगता है कि हम फौजी एक बार हो जाते हैं तो हमेशा फौजी रहते हैं, और हमारे लिए यूनिफॉर्म बहुत महत्व रखता है, इसीलिए आज हमने सोचा कि हम ये टोपी पहनेंगे, जितने हमारे फौजी भाई हैं, और दीपक के लिए भी एक इंकरेजमेंट होगा कि एक फौजी एक्सपर्ट है और आपको हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल शंकर, लेडीज जेंटलमैन। तो दीपक, आपके साथ कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं, नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मनोकामना विश्वकर्मा। मनोकामना, और किन्हें लाए आप? मेरी छोटी बहन है और आपकी बहन भी आई हुई है। नमस्कार। नमस्कार, और आपका भी स्वागत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कीर्ति शर्मा है जी, और साथ में जीजा जी भी हैं जी। नमस्कार करता हूँ, स्वागत आपका, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दीजिएगा। इनका नाम भी दीपक है। जीजा जी का नाम भी दीपक है जी, दो दो दीपक जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों दीपक का जो प्रभाव है वो आप पर पड़े और आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत करके जाए। ओके, तो दीपक जी, हमारे जो KBC प्ले लॉन्ग जो हमारे साथ साथ खेल उनके लिए एक सूचना में दूंगा। देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि KBC प्ले लॉन्ग खेल कर अब तक 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने घर बैठे बैठे धनराशि जीत ली। इसलिए यदि आपने खेलना शुरू नहीं किया हो तो फौरन अपने मोबाइल पे सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर अपडेट कीजिए, रजिस्टर कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। आप देखिए, धनराशि के साथ साथ ढेरों इनाम भी जीत सकते हैं और आपको इस हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का अवसर भी मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं। ओप्पो रीनो 2 सीरीज प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, लो पावर्ड बाय किटकैट, लेट्स प्ले। तैयार हो जाइए दीपक जी। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस पारंपरिक कहावत में सही शब्द लगाकर उसे पूरा करें। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भवा, डैश देवो भवा। समझ गए? कंप्लीट दिस ट्रेडिशनल सेइंग विद द करेक्ट वर्ड। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, डैश देवो भवा। क्या होगा वो डैश, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, ए अतिथि, बी प्रकृति, सी ब्रह्मांड, डी देवता। अतिथि। अतिथि ए लॉक, ए जी लॉक कर दे जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, आप सही है बिल्कुल, 1,000 रुपए जीत गए आप। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात माता को, पिता को, आचार्य को
और अतिथि को देवता के समान मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा समय लगा आपको उसका उत्तर देने में? हाँ, हमारी पत्नी जी ने बोला है कि थोड़ा सोच के जवाब देना। अच्छा, सोच के जवाब देना, इसलिए भले पता हो तो भी दो बार पढ़ना। प्रत्येक चीज को दो बार पढ़ना। हाँ। ओके। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी दीपक जी? जी। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई एक नहीं है बल्कि दो अलग अलग घटकों से बना है? Which of these sweets is not a single item but has two separate components? ऑप्शन सुनिए। ए गुलाब जामुन, बी मैसूर पाक, सी सोन पापड़ी, डी कुल्फी फलूदा। कुल्फी फालूदा। डी। डी श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी। दो बार पढ़ा था कि नहीं आपने? हाँ पढ़ा था। अच्छा ठीक है, चलिए कबीर महाशय, डी कुल्फी फालूदा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गया। कभी खाया आपने ये कुल्फी? हाँ खाया, खाया है। लेकिन मुझे ज्यादा पसंद नहीं। ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि उसमें आइसक्रीम से क्या पसंद था? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हाँ, अधिकतर लोगों को गुलाब जामुन ही अच्छा लगता है। भाई साहब हमको भी बहुत अच्छा लगता है गुलाब जामुन, लेकिन हमने छोड़ दिया है सब मीठा मीठा खाना, इसलिए बहुत तरस आता है हमें। अभी इनका नाम लिया गुलाब जामुन तो मुंह में पानी आ गया है एकदम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दीपक जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मानक ताश की गड्डी में यदि 4 इक्के होते हैं तो बादशाहों की संख्या कितनी होती है? इफ देर आर 4 aces इन अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स, हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन इट? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 1, 2, 3, 4। प्लीज लॉक डी, 4। 4, ताला लगाइए डी पे कंप्यूटर जी। आप सही है बिल्कुल, 3000 रुपए जीत गए आप। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए दीपक जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में ये हस्ती किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? आपको अभी एक आवाज सुनाएंगे हम, आपको बताना है कि द पर्सन इन दिस ऑडियो क्लिप इज टॉकिंग अबाउट विच फिल्म ऑफ हिज। राइट, ऑडियो सुनाया जाए कबीर जी। अपने आप को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो। ये रियल लाइफ का दिखा हुआ मेरा, मैंने किरदार किया तो वो वर्क कर गया। तो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ वर्क करके मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत फायदा हुआ। वहां से उस फिल्म से मैं जिस वक्त में बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत कमा के यहाँ से बाहर निकला हूँ। प्रणाम है सर आपको। अरे हमको क्यों कर रहे हैं प्रणाम, तो उनको कीजिए ना। उन्होंने जो बातें कही उससे। अरे भाई साहब उनकी बातों में मत जाइए। ऑप्शन देखिए फिर आपसे बात करेंगे। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए दूल्हे राजा, बी बड़े मियां छोटे मियां, सी जोड़ी नंबर 1, या डी बनारसी बाबू। बी बड़े मियां छोटे मियां। शोर है जी, ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 5000 दे दिया। 1998 में बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई थी और इट वॉज द सेकेंड फिल्म इन विच हम दोनों ने, गोविंदा जी और हमने काम किया था। और पहली फिल्म जो थी वो थी हम, उसमें गोविंदा और हम साथ में थे, वो 1991 में बनी थी। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा सरीसृप का नाम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज रेप्टाइल्स is also the name of a computer programming language. Option suniye. A. King Cobra. B. Black Mamba. C. Pit Viper. D. Python. Log to D. Python. D. Python? जी. Sure hai? Ji. Taala lagane layak? Bilkul sir. D. Python pe taala laga jaye computer ji. Aur ye sahi uttar hai aapka. Pehla prabhav paar kar diya aapne. 5 prashnon ka sahi uttar de kar. 10,000 rupaye jeet liye aapne. पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक सरीसृप का नाम भी है, रेप्टाइल। ओके दीपक जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए सर, जो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर के दीपक जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे, आप वहीं बैठे रहिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
ज्ञान शब्द एक जादुई चिराग जैसा है, जिसको आप जितना रगड़ोगे उसका जिन्न उतना बड़ा हो जाएगा और आप जो भी उससे मांगोगे वो आपको मिल जाएगा।